बिहार में पछुआ हवा चलने से मौसम का मिजाज बदल गया है। लोग सुबह और शाम ठंड महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में 13 शहरों में पारा गिरना भी शुरू हो गया है। दशहरे के उत्साह में मौसम खलल डाल सकता है। विभाग ने मंगलवार यानी आज पटना समेत 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उड़ीसा तट तक फैले इसके प्रभाव से प्रदेश का मौसम भी करवट ले सकता है। इन सभी मौसमी प्रभाव के चलते विजयादशमी पर बारिश हो सकती है। आज पटना, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया और मुंगेर में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार है। वहीं 25 अक्टूबर को सुपौल, लखीसराय, बेगूसराय, बांका, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बगहा में सुबह से धूप खिली हुई है। नालंदा में सुबह से मौसम साफ है। पटना में सुबह से धूप खिली हुई है। वहीं बात करें अगर बक्सर की तो बक्सर में सुबह से हल्की धूप निकली हुई है। पटना में आज मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। सुबह और शाम में हल्की ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा चलने से पटना के मौसम में बदलाव आ चुका है। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त 5:15 पर होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10 से 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। विभाग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार प्रदेश के 13 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान गया का तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्णिया समेत अन्य शहरों के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि अभी का मौसम फसलों के लिए फायदेमंद माना जाता है। अभी के समय वातावरण में नमी से आलू, प्याज और दलहन की बुआई करने की तैयारी किसान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।